आज हम सब बनाएंगे बाजरे का हलवा, है ना। तो बाजरे का हलवा जिन लोगों को लिखना आता है उन लोगों को लिख लेंगे, और जिनको नहीं लिखना आता है उनको मैं बता देती हूँ। बाजरे के हलवे के लिए सामग्री लगेगी, बाजरे का आटा लगेगा 1.5 कप, कितना कप? 1.5 कप, और उसमें घी पड़ेगा 1/2 कप, ठीक है, और चीनी 1 कप, कटे हुए बादाम 1 चम्मच, कटे हुए काजू 1 चम्मच, हरी इलायची 1/2 चम्मच पाउडर। ये मैंने 1/2 कटोरी घी डाल दिया इसके अंदर, और ये जैसे घी गर्म होगा ना, इसके अंदर ये 1.5 कटोरी बाजरा डालूंगी। जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं ना, और वो उसमें डूब जाती है सूजी, ऐसे चलाते हैं ना हम लोग घी में, तो ये सही 1.5 कटोरी का माप रहेगा, 1.5 कटोरी आराम से चलेगी इसके अंदर। ऐसे ये गीला हो गया। अब जैसे मैंने हमने इसके ऊपर घी डाल दिया और इसके अंदर बाजरा भुन रहा है, अब ये जैसे ही बाजरे का आटा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें पानी डाल रहे हैं और इतना पानी डलेगा, जैसे 1 कप 1.5 कप बाजरा था उसमें 4 कप पानी डलेगा, क्योंकि बाजरा फूलता बहुत है। अब ये देखो इसमें हमने पानी डाल दिया है, और पानी डलते ही इसने अपना घी छोड़ दिया साइड में देखो, और जैसे ही घी छोड़ देगा तो इसमें चीनी डलेगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स करते चलेंगे। जो हमने कटे हुए बादाम, और थोड़े से कटे हुए काजू, ये अब लगभग हमारा हलवा तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम राधा देवी है। मैं यहाँ पर आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम जो नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा है, महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हूँ। आज हमने चौथे दिवस पर महिलाओं को बाजरे का हलवा बनाना सिखाया, जिसको हमने विधिवत रूप से उनको बोर्ड पे लिखकर उनको विधि बतलाई, और उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, जिससे महिलाओं को खाने में भी वो बहुत टेस्टी लगा, और उनका यही कहना था कि जैसे उन्होंने पकोड़े और चीले जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने सिखाए थे घर पे बनाए, उसी प्रकार ये हलवा भी आज घर पे जाके बनाने वाली है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नाबार्ड को, जिन्होंने ये ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करवाई, और युवा जागृति संस्थान में जो ट्रेनिंग चल रही है, और 90 महिलाएं यहाँ पर उपस्थित होकर सही तरीके से और बहुत ही जागरूक होकर ये सीख रही हैं, और इतनी संलग्नता से यहाँ पर लिखती हैं, विधि लिखती हैं, बताती हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करती हैं, जो हम सीख पा रहे हैं उनको सिखा पा रहे हैं। इसके लिए अगर किसी को धन्यवाद दिया जाए तो वो नाबार्ड ही है, और श्रीमान गोकुल सैनी जी हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर ट्रेनर के रूप में रखा है, और हम अपनी महिलाओं को रोज नए नए व्यंजन सिखा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पपीता है, गाँव ढाकला है। आज हमने बाजरा का हलवा बनाया और सीखा भी है, और बहुत अच्छा लगा है खाने में, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने मूंग का हलवा खा लिया आज, और बहुत स्वाद बना है। धन्यवाद।